ये कैसा सुशासन है जहाँ एडीजीपी कॉल करते हैं सीटीएसपी को, सीटीएसपी सामने में हमारे सामने आईओ को बोलता है कि सब कुछ हो गया तो उसको उठाओ। गृह सचिव का लेटर आपके सामने रखा हुआ है, गवर्नर साहब का लेटर आया हुआ है, अब उसके बाद कोई है बिहार में? हम मार्केट से 7 लाख उठाए हुए हैं, आज 35,000 हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 7 लाख आज 16 लाख में बदल गया। मैंने FIR भी किया लेकिन कोई उस पर पहल नहीं हो रहा है। शनिवार के शाम को बुलाने आया था, बोले OSD साहब सुन के क्या करेंगे जब DM साहब का बात ही नहीं सुनता है तो। आरओ के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज थाना रोड कांटी, अगर आप घर ऑफिस कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइज, जहां नोरेलक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान, एक बार सेवा का मौका जरूर दे। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के रिसर्च फार्म पे आपका स्वागत है। वही आपको बता दें कि अभी जो है मुजफ्फरपुर समरणालय परिसर में है, जहां पर एक व्यक्ति को आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे होइएगा, जो कि सहारा इंडिया में फर्जी तरीके से जो है इनका पैसा जो है इनके उपभोक्ता को निकाल लिया गया, जिसके बाद सभी जगहों पर आप देखिए सभी जगहों पर जो है इन्होंने आवेदन दिया, सभी जगह मानव जो बहुत बड़ा आयोग होता है उसमें भी इन्होंने दाखिल कराया था अपनी समस्या को, वहां से भी ऑर्डर मिलने के बावजूद भी अभी तक इनको न्याय नहीं मिला, जिसके बाद आज जो है मुजफ्फरपुर समरणालय परिसर में 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, कितना अभी क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारा मांग है कि अपराधी को जेल भेजा जाए और हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। क्या हुआ था? 2019 में कैश गबन का मामला हुआ था, फर्जी पेपर बना के पैसा निकाल लिया गया था। हम स्थानीय थाना और SSP साहब को कंप्लेन किए तो थाना तो केस भी नहीं लिया, SSP साहब के जनता दरबार के माध्यम से 2 बार केस गया लेकिन कोई सुना नहीं। बाद में हम मानवाधिकार आयोग में गए, मानवाधिकार आयोग 2 साल केस सुना है, उसके बाद DM साहब के माध्यम से उसने रिपोर्ट मंगाया तो सही में 7 लाख का गबन था, जिसका पुष्टि सारा इंडिया ने भी किया था। बैंकिंग कोषांग के मैडम के माध्यम से मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट भेजा गया, मानवाधिकार आयोग ने जून 2023 में और मार्च 2023 में 2 बार SSP साहब और DM साहब को लेटर भेजा है, उसकी एक प्रति हमको भी भेजा गया था, लेकिन आने के बाद भी हम कई बार मिल चुके हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं हुआ। अभी तो सुशासन की सरकार है, कहा जाता है कि सभी लोगों को न्याय मिल जाता है, और आप जो है लगभग सैकड़ों लोग के पास जो है हर एक पदाधिकारी के पास आवेदन दिए, क्या हो रहा? किसी का कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। यहाँ सुशासन की सरकार है, ये कैसा सुशासन है जहाँ ADGP कॉल करते हैं CTSP को, CTSP सामने में हमारे सामने आईओ को बोलता है कि सब कुछ हो गया तो उसको उठाओ, और आज 15 दिन हो गया कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये कैसा सुशासन है आप ही बताइए। मुख्यमंत्री कोषांग से 5 लेटर आया हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेटर आपके सामने है, गृह सचिव का लेटर आपके सामने रखा हुआ है, गवर्नर साहब का लेटर आया हुआ है, अब उसके बाद कोई है बिहार में? जब गवर्नर के लेटर पर संज्ञान नहीं ले रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के और मानवाधिकार के केस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, और तो और केस चला तो उसका आदेश है, आदेश पर संज्ञान नहीं लेता, ये कैसा सुशासन है आप ही बताइए। कितना का आपके साथ जो है धोखाधड़ी? 7 लाख का हमारा गमन है। 7 लाख जी, वहाँ पूरा 30 लाख का गमन था जिसमें 7 लाख हमारा है। और लोगों का? और लोगों का है लेकिन कोई सामने से नहीं आया, हमको दिक्कत है। हम मार्केट से 7 लाख उठाए हुए, आज 35,000 हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 7 लाख आज 16 लाख में बदल गया, इसलिए हमको मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। कितने लोगों को जो है आप जो है सहारा में खोले थे खाता? हम तो कम से कम 200 लोगों का खाता था, जिसमें 17 लोगों का फर्जी 12 हो चुका। आपको नहीं पता चल पाया था उस वक्त? उन लोगों का उस वक्त पेमेंट का जब बारी आई, जब पेमेंट लेने के तब पता चला कि इसका तो पेमेंट पहले से निकल चुका है। उसके बाद हमने सब जगह कंप्लेन किया, ऑडिट वगैरह सब हुआ, सारा इंडिया ने FIR भी किया लेकिन कोई उस पर पहल नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको मजबूरन बैठना पड़ा भूख हड़ताल पर। सभी पदाधिकारी के पास आप जाकर न्याय मांगे मगर नहीं मिल पाया? नहीं, यहाँ से लेकर के और मुख्यमंत्री सचिवालय तक, जिसका सबका प्रमाण आपके सामने है, और DGP के यहाँ से तो ADGP खुद कॉल किए 24 तारीख को, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं। जॉनसन पर बैठता है उस पर जो है प्रशासन लाठी भी चलाती है? कोई बात नहीं, चलाए।
अब जो भी इनको करना होगा ये समझे, हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो चुपचाप बैठे हैं। कहाँ का जो लोग हैं जो आपके साथ जो है फर्जीवाड़ा किए? ये रोसी के रहने वाले हैं सरफुद्दीनपुर के, और इनका आवास हो गया आदर्श नगर रोड नंबर 1 अहियापुर थाने के बगल में है। क्या लग रहा है न्याय मिलेगा आपको? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, कहीं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मिले, सुने प्रशासन जगे। तो कोई अधिकारी नहीं मिले? कोई नहीं है। ओएसडी साहब के तरफ से शनिवार के शाम को बुलाने आया था, बोले ओएसडी साहब सुन के क्या करेंगे, जब डीएम साहब का बात ही नहीं सुनता है, तो इसलिए हम गए नहीं शनिवार को, कल तो कोई मिला नहीं। तो कैसे रहते हैं आप? यहीं पर सोते हैं। और नहीं लगता डर? क्या लगेगा, मरा हुआ आदमी क्या मरेगा, दोबारा मरेगा? 5 साल से तो मरिए रहे, अब उससे ज़्यादा क्या मरेंगे। यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो परिवार अभी कैसे चल रहा है आप? भाई चलिए, भगवान भरोसे चल रहा है अभी, क्या करेंगे, उपाय दूसरा नहीं है इसके सिवाय। और देखिए हमारे साथ जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिले के समरनाले परिसर से है, जहां पर विश्वनाथ चौधरी जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सहारा इंडिया में जो है इनके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार किया गया है, और फर्जी तरीके से जो है इनके साथ उपभोक्ता का जो पैसा था उसे जो है गायब कर दिया गया है, गबन कर दिया गया है, जो बहुत बड़ा आरोप जो है लगा रहे हैं। ऐसे में सभी जगहों पर जो है लगातार सहारा इंडिया को लेकर जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए, तब तक ले दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।